तब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शौकीन हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें किस बात का डर? 70+ बट स्टिल यंग। क्या फिल्म में फिर से यंग अवतार में होंगे रजनीकांत? क्या रजनीकांत सच में है इररिप्लेसेबल? क्या रोल है फिल्म में चार हीरोइंस का? मेगा स्टार रजनीकांत, द थलाइवर रजनीकांत, द एवरग्रीन रजनीकांत, टॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स फिर से वापसी कर रहे हैं अपनी फिल्म जेलर के साथ। 70+ और 45 साल के लंबे करियर के बाद भी रजनीकांत का चार्म फीका नहीं पड़ा, बल्कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पावर है। उनके पास आज भी एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स और फिल्में आती रहती हैं। मेकर्स अपनी फिल्म में रजनीकांत का होना बहुत बड़ी बात मानते हैं, और जेलर फिल्म भी बेहद ही खास बड़े स्केल की फिल्म होने वाली है जिसमें टॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। अकेले रजनीकांत का ही इस फिल्म का पार्ट होना बेहद खास है, जहां बाकी एक्टर्स ने एज के साथ ओल्ड एज रोल्स और यहां तक कि रिटायरमेंट ले लिया है, वहीं 70 साल मेगास्टार रजनीकांत अभी भी यंग और दमदार रोल्स करते नजर आते हैं। पर क्या इस बार भी रजनीकांत दिखेंगे यंग अवतार में? खबरों की माने तो रजनीकांत नेल्सन की इस अपकमिंग फिल्म जेलर में एक मिडिल एज पर्सन का रोल निभाते दिखेंगे, पर फिल्म में फ्लैशबैक के थ्रू हमें उनके कुछ यंग अवतार भी देखने को मिलेंगे। यानी फिल्म में कुछ ही समय के लिए ही सही पर रजनीकांत यंग वर्जन का रोल निभाते हुए दिखे जाएंगे, पर ना सिर्फ यंग रोल में बल्कि एक यंग एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करते भी नजर आएंगे। पर क्या रजनीकांत इतने इररिप्लेसेबल हैं कि 70+ के बाद भी रजनीकांत यंग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं? क्या उनकी जगह कोई रियल मिडिल एज एक्टर को कास्ट करना क्या इतना मुश्किल था, या फिर क्या फिल्म में सिर्फ स्टार्स की स्टारडम के भरोसे ही चलती है? यानी अगर फिल्म में रजनीकांत का नाम जुड़ जाए बस उतना ही काफी है फिल्म के सक्सेस के लिए। क्या सच में रजनीकांत से अच्छा कोई स्टार नहीं जो उनकी जगह ले सके, जो 70+ हो चुके स्टार्स से ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस दे सके? अगर 70+ एक्टर्स भी यंग कैरेक्टर्स प्ले करेंगे तो क्या होगा यंग एक्टर्स का? ना सिर्फ बड़े बड़े सुपरस्टार्स को यंग कैरेक्टर्स के रूप में कास्ट किया जाता है, बल्कि यंग एक्ट्रेसेस के साथ उन्हें रोमांस करते हुए भी देखा जाता है। अपने से 30-35 साल छोटी एक्ट्रेसेस के साथ भी रजनीकांत ने एज अ कपल बड़े पर्दे पर कैरेक्टर प्ले किया है, जबकि 30-35 साल की एज में एक्ट्रेसेस का करियर खत्म माना जाता है, उन्हें मिडिल एज रोल ही प्ले करने को दिया जाता है, जबकि 40+ एक्टर्स मोस्ट एलिजिबल बैचलर और राइजिंग स्टार के तौर पर समझे जाते हैं। 60+ मेल एक्टर्स को विंग और मेकअप के सहारे यंग दिखाया जाता है और VFX के जरिए उन्हें 6-packs दिए जाते हैं, जबकि 40+ उन्हें 60+ एक्टर्स की माँ के रोल निभाते देखी जाती है। इस बार तो साहब हद ही हो गई, ना सिर्फ एक या दो बल्कि चार हीरोइंस के साथ दिखने वाले हैं रजनीकांत। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइंस, जिनमें से एक है राम्या कृष्णन, जिन्हें आप सब ने बाहुबली में शिवगामी के रोल में देखा ही होगा। साथ फिल्म में फॉर्मर मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या राय और बाहुबली फिल्म तमन्ना भाटिया भी दिखने वाली है। इसके अलावा एक और बड़ी एक्ट्रेस का नाम भी इस फिल्म से जुड़ने वाला है, पर चार हीरोइंस की आखिर क्या ही जरूरत ही पड़ गई थी फिल्म मेकर्स को, जबकि रजनीकांत द थलाइवर खुद ही फिल्म में लीड रोल में है। क्या ये फिल्म फीमेल लीडिंग स्टोरी होने वाली है, या फिर सिर्फ एक्टर्स के फेम और गुड विल के सहारे मेकर्स करवाना चाहते हैं अपनी नैया पार? फिल्म मेकर्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि ये एक बड़े स्केल की फिल्म होने वाली है, और अब चार हीरोइंस एंड सुपरस्टार रजनीकांत का इसमें कास्ट होना ऑलरेडी एक बड़ी और धमाकेदार फिल्म की ओर इशारा करती है। कैसी होगी ये फिल्म ये तो वक्त ही बताएगा, तब तक आप हमें अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में बताइए, और तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो।